तो भाई एक यूट्यूबर है जिसके चैनल का नाम YPM ब्लॉग है। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये बंदा ना सच में गरीबों का जियान है। मतलब सबकी बुद्धि दिमाग में होती है पर ये बंदा उन लोगों में से है जिनका दिमाग घुटनों में होता है। मींस कि ये बंदा एक ऐसा यूट्यूबर है कि अगर कोई इसको क्रिटिसाइज कर देता है तो ये और इसके पिताजी इनको लीगल नोटिस यानी कि मानहानि का केस ठोकने की धमकी देते हैं। अब आई नो कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके अगेंस्ट इनको एक्शन लेना चाहिए पर तुम तो सबको उसी नजर से देख रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। साला पता नहीं कैसे कैसे लोग आजकल यूट्यूब पर बैठ के लाखों में व्यूज छाप रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्सी इस समय तीन बड़े क्रिएटर्स के बीच चल रही है, गस्टी लौंडा, YPM ब्लॉग और टॉक्सिक। टॉक्सिक को तो फर्जी में घिसेड़ा गया है क्योंकि असली कांड तो गस्टी लौंडा ने किया है। गस्टी लौंडा नाम का एक यूट्यूबर जिसने YPM ब्लॉग को एक्सपोज करते करते अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। उसने YPM ब्लॉग को एक बार रोस्ट करा, अच्छे खासे व्यू आए, दूसरी बार रोस्ट करा, उससे ज्यादा व्यू आए और ऐसे ही करते करते इस चूते ने इसके ऊपर 15 पार्ट बना दिए। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। चलो ठीक है, व्यू आ रहे थे इसलिए तुम बना रहे थे, लेकिन 15 पार्ट बनाने के चक्कर में इसको जो नहीं बोलना था इसने वही बोल दिया। उसके बाद हमारे सो कॉल्ड ब्लॉगर YPM ब्लॉग भैया जो अपने चैनल पे क्लिकबेट करके व्यू लाते हैं वो ट्रिगर हो गए और ये और इनके पिताजी ने मिलकर गस्टी लौंडे के ऊपर मानहानि का केस ठोक दिया। ये देखो हो चुकी है लॉज अगेंस्ट गट्सी लड़का जो कि आशीष गुप्ता और साथ में जो शुभम गुप्ता उसके खिलाफ भी हो चुकी कंप्लेंट है जैसा थाने के अंदर। ये रही इसकी कॉपी, ये रही इसकी कॉपी और रजिस्टर्ड हो चुकी है कंप्लेंट। ये बकायदा पुलिस वालों ने उनके घर फोन किया कि उनको थाने आना है तो उन्होंने नहीं आए। इसके बाद उन्होंने उनके घर मंगोलपुरी जो कि उनके नानानी का घर है वहां जाके नोटिस सर्व किया कि कल की डेट में उन्हें थाने पहुंचना है और यहां पे इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना है क्योंकि इन्होंने मुझसे 1,00,000 रुपए की एक्सटॉर्शन मनी मांगी थी और 1,25,00,000 रुपए का इन्हें मैंने मान दावे का नोटिस भी ठोक दिया है। वो कल इनके घर पहुंच जाएगा नोटिस। कुछ भी। हाँ तो यहाँ पता चल रहा है कि भाई ठीक है, अंकल को बुरा लगा, गस्टी लौंडे को सॉरी बोलना चाहिए, पर उसके बाद जो इन लोगों ने बोला ना उससे पता चलता है कि ये लोग यूट्यूबर बनने लायक नहीं है। और एक बात और, जो इनके साथी जो जिन्होंने यूट्यूब फ्रेंड्स है ना उनको भी नोटिस बहुत जल्दी अगर अपने हाथों से बाज नहीं आए तो मैं उनको बकायदा प्रॉपर उनको भी नोटिस करूंगा। जो इनका यूट्यूबर है उसके सब्सक्राइबर अराउंड 3,00,000 के आसपास है, टॉक्सिक उसका चैनल का नाम है, वो क्या सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है अपने और वो जो गट्टी लड़का उसको प्रोवोक कर रहा है कि तू भी वीडियो बना रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कल जब थाने आएंगे ना और बकायदा FIR दर्ज होगी इस चीज के अंदर। भाई एक चीज सही बता रहा हूँ तुमको, मैंने टॉक्सी के सभी वीडियो देखी है इसकी रोस्ट वाली, उस बंदे ने कहीं भी गलत नहीं बोला है। ये अपने वीडियो में क्लिकबेट करता है उसने अपने वीडियो में यही बोला है, ये अपने वीडियो में लोगों को चूते बनाता है उसने वीडियो में वही बोला है, ये रिपीटेड कंटेंट बनाता है उसने वीडियो में वही बोला है। तो मेरे भाई ये बता कि वो गलत कहां था। मतलब भाई हेट और क्रिटिसिज्म में आपको फर्क समझ में नहीं आता, उसने आपको क्रिटिसाइज किया है ना कि आपके ऊपर भड़ास उतारा है। कॉपी कंप्लेंट की जो नोटिस है लीगल नोटिस वो उनके घर कल पहुंच जाएगा। बाकी अपने जो यूट्यूब फ्रेंड्स को प्रोवोक कर रहे हैं ऐसे टॉक्सिक नाम का यूट्यूब चैनल है उसको प्रोवोक कर रहे हैं कि भाई तू भी वीडियो बना ले, तो वो क्या कर रहा है भाई, मेरे को मेरे सब्सक्राइबर 3,00,000 करने हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करो मैं वीडियो और बनाऊंगा YPM पे, ऐसे कुछ ये हरकतें कर रहे हैं और मेरे नाम से पैसे भी कमा रहे हैं, फिर हमसे 1,00,000 रुपए भी मांग रहे हैं एक्सटॉर्शन के। तो जो गठिया लड़का कल थाने आना पड़ेगा नहीं तो उसके खिलाफ हो जाएगा इशू अरेस्ट वारंट। तो मेरे को अभी रात को कॉल आ रहा है 12:32 पे, कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो। हेलो देखो भाई ऐसे गधे यूट्यूबर्स को मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। नहीं भाई, जो बंदा BMW Audi Jaguar और ना जाने ऐसे ऐसे ब्रांड के नाम पे व्यू छापता है अब उसको भी दिक्कत इस बात से हो रही है कि कोई इसके नाम से व्यू छाप रहा है। मतलब सीरियसली आपको लगता है कि आपके नाम से हमको व्यू आएगा? अगर मैं टॉक्सिक के ऊपर वीडियो बना दूं तो आपसे 10 गुना ज्यादा व्यू सिर्फ उसके नाम से आएगा। और मैंने तो देखा है कि छोटे छोटे यूट्यूबर आपके ऊपर वीडियो बनाने से मना करते हैं क्योंकि आपके नाम से व्यू लेने से अच्छा हम चुल्लू पर पानी में डूब जाए वो अच्छा है। तो भाई इसके बाद भी इसका मन नहीं बढ़ा तो इसने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की टॉक्सिक के अगेंस्ट। ये देखो, नेक्स्ट इज टॉक्सिक, बहुत कमा लिया पैसे मेरे नाम से। फिर वही बात, घोड़ा गधे के नाम से व्यू नहीं कमाता है भाई। अब इसकी ये स्टोरी देखने के बाद टॉक्सिक ने इसको पर्सनल मैसेज किया पर टॉक्सिक के मैसेज को इसने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगा के ये कहा, दिस गाय इज डिस्टर्बिंग, ब्लॉक हिम, इनको इस टॉपिक पे भी पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने के लिए बैठे हैं ये, घोर कलयुग भाई घोर कलयुग, चला ऑडियंस को चूतिया बनाई ये, क्लिक बेट वाला थंबनेल बनाई ये और इसी बात के लिए कोई इसको बोल दे तो ये लोग मानहानि का केस ठोकने के लिए धमकी देते हैं। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अब इसके बाद टॉक्सिक ने इस चीज पे रिएक्ट करते हुए ये कहा, आई होप तेरे सो कॉल्ड लॉयर एंड तुझे हेट और क्रिटिसिज्म के बीच डिफरेंस समझ में आ जाए। तो भाई आओ टॉक्सिक की वीडियो आ गई है वो भी देख लेते हैं। लेने की धमकी दे रहा है, मैंने वही चीजें बोली अपने वीडियो में जो तूने अपने वीडियो में करा है जो कि फेयर यूज के अंदर आती है। ये खुद अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में मेरे बारे में बकवास कर रहा था एंड ऊपर से मुझे सामने से टैग भी कर रहा था एंड इसके मुझे स्टोरी में टैग करने के बाद जब मुझे हेट मैसेजेस आने लगे तो उन मैसेजेस का मैंने इसे स्क्रीनशॉट भेजा था। बंदे ने उस मैसेजेस को इग्नोर किया एंड उसके बाद में उसने मुझे ब्लॉक करा एंड ऊपर से ये बंदा स्टोरी लगा के झूठ बोलने लग गया कि मैं इसे डिस्टर्ब कर रहा हूं। मतलब जिस चीज के लिए ये बंदा मुझ पे लीगल एक्शन लेने की धमकी दे रहा था एंड वही चीज जब मेरे साथ हुई तो इस बंदे ने इग्नोर करके ब्लॉक मार।
मार दिया। अबे कोई इसके ऊपर मानहानि का केस ठोको बे, क्योंकि जो चीज टॉक्सिक ने किया है वही सेम चीज इसने भी तो किया है। अबे भाई सुधर जाओ, जो तुम कर रहे हो ना इससे तुम्हारे चैनल के रीच और व्यू और गिरेंगे। तू ये सोचना कि ये सब करके मैं यूट्यूब का हीरो बन जाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा। तब से बस पैसा पैसा किए जा रहे हो, इसके नाम से पैसा कमाने से अच्छा मैं पायल जोन के नाम से पैसा कमा लूं, कम से कम वो अच्छा रहेगा। छे तो अब आते हैं गश्ती लौंडा पे। तो गश्ती लौंडा पुलिस स्टेशन गया था अपने रोस्ट वीडियो के चक्कर में, तो उसके लिए हमारे YPM भैया ने अपने इंस्टाग्राम पे हमें जानकारी दी कि गश्ती लौंडा के साथ क्या क्या हुआ पुलिस स्टेशन में, ये देखो। गेट दिस पॉइंट एट ऑल की कल ये जो गच्छी लड़का है ये कल पुलिस स्टेशन आया था और पापा से इसने माफी मांगी है, बहुत रोया है वहां पे आकर के। और वहां पे आके इसने ये तक बात बोली कि जो मैंने आपसे मांगे थे 1,00,000 रुपए उसके लिए आई एम सॉरी, इसने बकायदा वहां पे लिखी है स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन के अंदर। और यहाँ पे आके कूल बनते हैं और बताते हैं कि कुछ हमारे हाथ हुआ ही नहीं है ये सब कुछ। लाइक मेरे को चीज समझ नहीं आती कि इसका पॉइंट क्या है, जो एक्चुअली रियलिटी वो बताओ ना तुम लोग। फेक एलिगेशन में अपने पे नहीं लूंगा ये सब कुछ, मेरे को चीज समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों। तुम वहां कुछ और हो, यहाँ कुछ और हो। इसने सुबह 8:10 बजे मेरे पापा को फोन तक करा है और उनको सॉरी बोला है और दोबारा से, और ये बोला कि अंकल जी प्लीज कोई मेरे खिलाफ एक्शन मत लेना। फिर से इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल रहा है कि फेक एलिगेशन, अगर फेक एलिगेशन होती तो भाई तुम लिखता ना स्टेटमेंट के अंदर। तो जैसा कि भैया ने क्लेरिफाई किया और उसके बाद हमारे गश्ती लौंडा रिएक्ट करते हुए अपनी स्टोरी में ये कहा, मैंने सॉरी ब्रो तेरे पापा को बोला था क्योंकि आई इंक्लूडेड हिम इन द वीडियो एंड ही वाज एंग्री अबाउट दिस। यहाँ कोई कूल नहीं बन रहा है, यही चीज मैंने पुलिस स्टेशन में भी बोली थी कि अंकल कौन से 1,00,000 मांगे, किससे मांगे, और कोई प्रूफ है तो डाल भाई इंस्टाग्राम पे। इस चीज को एपोलॉजी लेटर दे दिया, अंकल मेरे से बड़े हैं सॉरी बोलने से मैं छोटा नहीं हो गया। तो इससे कुछ फ्लेक्स करने वाला नहीं है कि एपोलॉजी लेटर ले लिया मैंने, ये वो ग्रो अप। 3-4 स्क्रीनशॉट और है, पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। बट गश्ती लौंडा से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई अगर तू सॉरी बोलने से छोटा नहीं हुआ तो चूतिए पहले सॉरी क्यों नहीं बोला। इस कॉन्ट्रोवर्सी को लगभग 2 या 3 महीने होने वाले हैं लेकिन तू अब सॉरी बोल रहा है, ये भेदभाव क्यों भाई, ये भेदभाव क्यों। अगर तुमने गलत बोला था तो तुझे उसी समय सॉरी बोलना चाहिए था, बट नहीं, ये भी हमारे सो कॉल्ड रोस्टर है ना। और टॉक्सिक भाई मैं भी आपको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, आप भी अपनी वीडियो में बहुत जगह पे गलत थे, सो प्लीज ग्रो अप। 1 या 2 वीडियो चलता है पर पूरा वेब सीरीज नहीं चलता है भाई। और YPM ब्लॉग भाई तुम भी बड़े हो जाओ, क्योंकि टॉक्सिक ने जो बोला था ना वो एकदम सही बोला था, आपका कंटेंट वैसा ही है। बाकी इस वीडियो में मैंने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखा है और आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुमको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि कहां मैं गलत था। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो मजदूरी में, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच कमिंग, बाय। विनोद नेक्स्ट वीडियो का स्क्रिप्ट लिख।